बारातें तो बहुत देखी होगी और सुनी भी होंगी, लेकिन बिना दूल्हे की बारात ना देखी होगी ना सुनी होगी। पर यह सच है, बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल यह अनोखी बारात आती है। सबसे अनोखी बात यह देखने को मिलती है कि इस बारात में ना दूल्हा होता है और ना दुल्हन, लेकिन बारात में हजारों बाराती डोली और दहेज के साथ शामिल रहते हैं। इस अनोखी बारात की परंपरा 1017 साल पुरानी है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच पर जेठ माह में मेला लगता है जो एक माह तक चलता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू संप्रदाय के 80% श्रद्धालु शिरकत करते हैं और यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी तरह से अकीदत पेश करते हैं। कोई त्रिशूल गाड़कर गाजी बाबा की पूजा अर्चना करता है तो कोई फातिहा करके अकीदत करता है। किसी पर किसी तरह की कोई पाबंदी या रोक नहीं है। आमतौर पर किसी दरगाह पर नाच गाने ढोल तमाशे गोले पटाखे दागने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन यहाँ गाजी के दीवाने एक माह तक झूमते नाचते गाते गोला पटाखे दागते देखे जाते हैं। यहाँ का हजारों साल से मेला लगता आ रहा है। मेले का बारातों का सिलसिला जो है वो जोरा बीबी से जुड़ा हुआ है। जोरा बीबी सदरुआ भुजौरी की रहने वाली थी, वो ब्लाइंड थी। उनकी एक मन्नत थी कि जहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे वहाँ भी सेवा करेंगे, तो वो यहाँ पर सेवा करती रही है। और उनके घर वाले जो भी दान दहेज का सामान रखे थे वो यहीं पर उनका इंतकाल हो गया, यहीं पर उनकी मजार बनी हुई है। उनका दान दहेज भी ला कर यही चढ़ावा किया, वहाँ से वो बरातों का सिलसिला शुरू हुआ जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक लोग लेके आते हैं। दिल्ली बम्बई से यहाँ सभी जगह से लोग आए हुए हैं, बड़ी दूर से आए। करीब 300 के ऊपर बरातों का सिलसिला आज होगा, जो रात भर चलेगा, कल दोपहर तक खत्म होगा। पड़ोसी देश नेपाल भी बारात आती है। अध्यक्ष जी, लोग इस बारात को बिन दूल्हे की बारात कहते हैं, इसका क्या है? इसका ये है कि सही तरह मसूद गाजी एकदम उम्री में इंतजार हो गया, उनसे ज्ञान नहीं हुआ था। ये एक अदायगी है सारी जो जोरा बीबी के घर वालों से शुरू हुई है, जो सभी के घर में पूरे हिंदुस्तान के लोगों में चली गई है। तो वही बरात में लाते हैं लोग, चढ़ावा के चलन में करते हैं। इस मेले में लगभग कितने आदमी आते हैं? मेला आज 2 साल कोविड की वजह से बंद था, काफ़ी लोग उम्मीद रखे हुए थे कि जब बरातों मेले का शुरुआत हो, बरातों से जुड़ा हो तो हम लोग इकट्ठा हो आगे। आज वही सभी लोग आए हुए हैं और 3 किलोमीटर की रेडियस में पूरा कैंपस भरा हुआ है और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, बारात जा रहे हैं और हाजिरी दे रहे हैं, अपनी मन्नत मान रहे हैं, अपनी मुरादें मान रहे हैं और जो भी मुरादें पा चुके हैं उनकी अदायगी कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम? मेले से पहले प्रशासन की बैठक 1 महीना पहले होती है, इंतजामी कमेटी की बैठक होती है, इंतजामी कमेटी उनसे सहयोग मांगती है। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, 9 मई को बैठक हुई थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने सारे अधिकारियों को सहयोग के लिए ही लगाया था कि मेले के जो भी सुविधा हो उस पर आप सहयोग करें। तो सारे अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ, पूरे जोर की पुलिस आई हुई है। इस मेले में करीब करीब 14 CO आए हुए हैं, काफ़ी गर्मी इंस्पेक्टर आए हुए हैं, पुलिस काफ़ी मात्रा में है और सभी लोग अपनी ड्यूटी अंदाज़ में हैं।